नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि मैंने इसको यूज़ कर रहा है। तो इसको मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि यह एसी आपको लेना चाहिए कि नहीं, क्या एसी बेस्ट रहेगा कि नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे पिछले लगभग 2 महीने से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो आज इस वीडियो में आपको फुल्ली गाइड करने वाला हूँ कि आपको यह एसी लेना चाहिए कि नहीं, और इसकी क्वालिटी यहाँ पर कैसी है, कैसे निकल के आ रहा है एसी, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इसके कूलिंग क्वालिटी कैसी है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप इसमें स्किप करके नहीं जाएंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए और सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से पता लग जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप बाद में भूल जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और रेड वाली बटन को आपको प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, रेड वाली बटन को भी प्रेस कर देना है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए आइए आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है यहाँ पर रिव्यू का 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि वोल्टास कंपनी का है। साथ में यहाँ पे एक स्टेबलाइजर भी आप लगा हुआ है, आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये VWI 400 स्टेबलाइजर है, काफ़ी बेस्ट ये वर्क कर रहा है अभी तक, मेरे एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, पिछले इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और ये एसी भी मैं इसको अगर 5 स्टार पूरी रेटिंग अगर देना चाहूँ, तो मैं इसको 4 स्टार की रेटिंग पूरा दूंगा, 4.5 स्टार की दूंगा। अभी तक पिछले 2-3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई इसमें वहाँ पर चेंजेस नहीं है, काफ़ी अच्छी कूलिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको आइडियली वहाँ पर 24-22 पे यूज़ कर रहा हूँ, तो विद इन ये रूम की जो वहाँ पे विड्थ है वो आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मैं आपको अगर बताऊँ एक रेंज में, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 15 इंटू आप इसको 10 मान सकते हैं कि 15x10 का रूम है। और इसको यहाँ पे कूल करने में, चिल करने में 22 पे का इसको लाने में, अगर आइडियल टेम्परेचर इसका 30 है, 33 किसी कभी कभी रहता है यहाँ पे, और गर्मी के दिनों में अभी जब ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो रूम का है वो लगभग आप मान के चले कि 36-38 तक पहुँच जाता है। तो इसको वहाँ पे 22-24 लाने में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 मिनट लग रहा है इस एसी को। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी भी एसी है, आप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस एसी को बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, इस एसी को वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ कि यह एसी बेस्ट है, ये स्टेबलाइजर भी अब तक बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशियल टाइम डिले इसमें सिस्टम दिया गया है, डिले भी करता है एसी को आपके साथ साथ, और वहाँ पे इसको एक आइडियल वोल्टेज ये प्रोवाइड करता रहता है। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे यहाँ वोल्टेज जो है वो काफ़ी कम फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए मैंने यह स्टेबलाइजर ख़रीदा था। आप देख लीजिए 183 इनपुट है, आउटपुट 216 है, यानी 216 आउटपुट दे रहा है ये। आप खुद ही इसको देख सकते हैं कि ये स्टेबलाइजर कितना अच्छा है, 181-189 वोल्टेज आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या इन्वर्टर एसी में भी स्टेबलाइजर ऑटो बिल्ड रहता है, क्या लगाना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सुरक्षा पे ऊपर डिपेंड करता है, कि यहाँ पे अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपके एसी को प्रोटेक्शन करता है। तो बिल्कुल आप अगर इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, तो आप स्टेबलाइजर ज़रूर यूज़ करिए, बिना स्टेबलाइजर के आप अपने एसी को मत यूज़ करिए, ताकि आपका एसी जो रहे वो काफ़ी अच्छा और लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में दोस्तों आप आजकल आप देखते होंगे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, उसमें लिखा रहता है स्टेबलाइजर ऑटो बिल्ड, वहाँ पे किसी किसी लिखा रहता है प्रोडक्ट में, चाहे वो फ्रिज हो चाहे एसी हो। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप स्टेबलाइजर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे यह आपके इस उपकरण को सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह उपकरण आपका 45,000 का है, और ये उपकरण जो है ये लगभग 3,500-4,000 रुपये का आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये ख़राब हो जाए चल जाएगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ज़रूर आप इसको लगवाएं। फिर उसके बाद बात आती है इसके कूलिंग कैपेसिटी वगैरह की। तो मेरे हिसाब से इसकी कूलिंग जो है काफ़ी बेस्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताना चाहूँ, तो काफ़ी बेस्ट ये कूलिंग मुझे दे रहा है अभी तक। मैं इसको 24-22 पे ही यूज़ कर रहा हूँ इस रिमोट से। अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए 24 पे है, 22 पे मैंने कर दिया, इतना बढ़िया इसमें कूलिंग है। मैं आपको साथ बताऊं, यहाँ पे मैंने इसको फ़ैन भी एक लगा के रखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। तो इस एसी के जस्ट सामने आप फ़ैन भी लगवा सकते हैं, और इसको अगर आप 26 या 24 पे कर दें, और उसके बाद स्लो मोड में अपना फ़ैन ऑन कर दें, जैसे मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं फ़ैन चलाना है, बहुत थोड़ी स्पीड में ही आप अपने फ़ैन को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। अब अगर आप इस फ़ैन के
फ़ैन आपने लगा है एसी, जस्ट उसी के फ़ैन के फ़ैन आप एसी के आपके जस्ट ऊपर फ़ैन आपका लगा हुआ है, और इस स्पीड में आपका फ़ैन बहुत स्लो मोड में, मैंने सिर्फ इसको 1 पॉइंट पे भी फ़ैन को किया है, और इस टेम्परेचर को मैंने 22 अभी किया है, हालांकि मैं इसको यहाँ पे 24 कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको 24 कर दिया है। अब इस कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 24 है। इस कंडीशन में अगर आप वहाँ पे फ़ैन चलाते हैं तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहता है, यानी कि आप सोते हो 26 पे भी आप कर दीजिए और फ़ैन चला दीजिए, इतनी अच्छी नींद आएगी आपको कि आप सोचेंगे कि हम क्या कुल्लू मनाली और वहाँ पे गुलमर्ग में सो रहे हैं, इतनी बढ़िया यहाँ पे आपको फीलिंग आएगी। तो ये आप फ़ैन भी चला सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे प्रीवियस वीडियो जो एसी की मैंने डाली हुई उसमें क्वेश्चन पूछे कि क्या हम एसी के साथ फ़ैन चला सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल आप अपने एसी के साथ यहाँ पे फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन जो रहता है आपके एसी को वहाँ पे, हाँ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपके रूम में कोई भी यहाँ पे एयर पासिंग ना हो, ये थोड़ा सा क्लियरेंस आप कर लीजिएगा। अगर एयर पास कर रहेगा आपके रूम से लीकेज होगी एयर की, तो आपका रूम काफ़ी जल्दी ठंडा से गर्म हो जाएगा। फ़ैन चलाने का यही एडवांटेज है सिर्फ एक, और एडवांटेज बहुत सारे हैं कि आपके रूम को अच्छी वहाँ पर नींद आएगी, अच्छी हवा आपको मिलेगी आपके बेड पर। ये देखिए आप जस्ट इसको आप ऐसे लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी नींद आपको आएगी अगर आप वहाँ पर एक फ़ैन चला लेते हैं और 26 पे अपने एसी को टेम्परेचर पर सेट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके यूनिट कंजम्पशन की। तो यूनिट कंजम्पशन की अगर हम बात कर लें तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम नाम मात्र का है यूनिट ये कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 24 पे वर्क करवाता हूँ इस एसी को पर डे, तो सिर्फ एक या दो यूनिट तक, ये दो यूनिट आप मान के चलिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे 6 से 7 घंटे तक चला रहा हूँ, 7 घंटे आप मान लीजिए, तो सिर्फ ये कभी कभी एक यूनिट या फिर दो, कभी कभी जब मैं इसको ज़्यादा दिन में भी यूज़ कर लेता हूँ रात के अलावा, तो लगभग ये दो से ज़्यादा कभी आज तक नहीं हुआ है। 3 यूनिट बहुत ही मुश्किल से ये गया है। तो 2 यूनिट आप इसको मान के चलिए कि ये आप महीने भर में ये आपको 2 यूनिट ही यूज़ कर रहा है, वो भी वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो, मेरी तरह मैं इसको रात में भी 6-7 घंटे यूज़ कर रहा हूँ, दिन में भी 1-2 घंटे यूज़ कर ले रहा हूँ, तो टोटल 8-9 घंटे मैं 10 घंटे आप मान लीजिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको अगर 4 से 5 घंटे या 2-3 घंटे यूज़ करते हैं तो ये एक यूनिट से ज़्यादा आपका कंजम्पशन नहीं कर रहा है। 5 स्टार का ये मेरा इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। बाकी कैसे यहाँ पे यूनिट वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी सारी जानकारी मैं वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में क्लिक करके आप वह वीडियो जाके देख सकते हैं पूरा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूनिट कंजम्पशन के बारे में, कैसे आप उसको कितना खपत करती है एसी, कितना कैसे नहीं, विंडो है या स्प्लिट है या इन्वर्टर है नॉन इन्वर्टर। जैसे कि आप जानते हैं एसी में दो एसी आते हैं, एक विंडो एक स्प्लिट, तो ये वाला जो एसी है ये स्प्लिट एसी होता है, एक विंडो एसी भी होता है, और यहाँ पे एक इन्वर्टर एसी होता है, एक नॉन इन्वर्टर एसी होता है। तो अब ज़्यादातर एसी तो इन्वर्टर एसी ही आ रहे हैं, आप इन्वर्टर एसी ही बाय करें, नॉन इन्वर्टर एसी मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा लेने के लिए। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाईटेक युग में आप इन्वर्टर एसी ही बाय करें, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपका किफ़ायती वो बचत करता है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 स्टार ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टार आप मान के चलिए कि महीने भर में अगर आप जितना यूजेस मैंने करता हूँ उसके हिसाब से वो एक यूनिट प्लस आप उसमें ऐड कर दीजिए बस। तो यह इसका यूजेस है, 5 स्टार का है, तो आप समझ लीजिए कि एक यूनिट या एक यूनिट से कम भी वहाँ पे किसी किसी दिन ये लेता है मेरा एसी, मैं इतना इसको यूज़ करता हूँ। तो आप यूनिट तो इसमें मान के चलिए बहुत ही नेगलिजिबल है, ये नेगलिजिबल आप मान के चलिए एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर एसीज। तो यह इसका रिव्यू है इस यहाँ पे इस एसी का। बाकी मैं आपको थोड़ा सा स्टेबलाइजर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यह स्टेबलाइजर जो है इसमें इनिशियल टाइम डिले सिस्टम भी दिया गया है, ऑटो कट मोड में ये वर्क करता है स्टेबलाइजर, यानी कि जैसे ही यहाँ पे हाई फ्लक्चुएशन लाइट आती है हमारे यहाँ पे, ज़्यादातर केस में से होता नहीं, हमारे यहाँ काफ़ी लो लाइट आती है, तो अगर आपके यहाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके यहाँ लो लाइट आती है, यानी कि अगर आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा करती है, आपकी लाइट में वेरिएशन होता रहता है, तो आप ये स्टेबलाइजर ज़रूर खरीदिए। VWI 400 थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन काफ़ी यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है इस स्टेबलाइजर का, मैं एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपके यहाँ लाइट, जो आप सिटीज़ में रहते हैं दिल्ली मुंबई जैसे हाईटेक सिटी में, तो हाँ लाइट फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होता है, वोल्टेज काफ़ी मेंटेन आता है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे नॉर्मल स्टेबलाइजर VG जो 400 आता है वो भी ले सकते हैं। बाकी आप VWI 400 अगर लेते हैं तो यह दोस्तों मिनिमम 130 इसका वहाँ पे दिया गया है वोल्टेज से वर्क करता है 290 तक, यानी कि हाईएस्ट 290 और यहाँ पे 260 पे ऑटो कट हो जाता है, 250 पे ऑटो कट अपने आप हो जाता है, इससे ज़्यादा इस एसी को करंट भी नहीं चाहिए। 240 आइडियल, 220, 210, 215 पिए, चूँकि इन्वर्टर ऐसी है तो कंप्रेसर इसका बंद होता रहता है फिर ऑन होता रहता है, तो इसके हिसाब जो उसको करंट चाहिए होता है कंप्रेसर को इस एसी को, यह स्टेबलाइजर उसको
आइडियली प्रोवाइड करता रहता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है स्टेबलाइजर का, 130 से 290 तक ये वर्क कर रहा है अभी तक फिलहाल, और मैंने इसको चेक कर रहा हूँ तो अभी तक इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है, इस पर कोई कमी अभी तक नहीं आई हुई है। वी गार्ड कंपनी का स्टेबलाइजर है, वोल्टास की एसी है। बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हो एसी के बारे में, स्टेबलाइजर के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा जानकारी को सुझाव देने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, @technicalalok जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाकर बाय वहाँ पर मुझे फॉलो करके 24/7 मैं अवेलेबल रहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पर रिव्यू पसंद आया होगा इस इन्वर्टर एसी का जो मैंने आपको दिया। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। और मैं मिलता हूं दोस्तों अब अगली वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।